Shares का ओवर यू हैव टू शो टुमारो मंडे मंडे लास्ट टॉपिक ऑफ द ईयर दैट इज वर्टिकल स्टेटमेंट्स नाउ कल क्या रहेगी चलो वर्टिकल स्टेटमेंट्स नाउ सी व्हाट आर वर्टिकल स्टेटमेंट्स Vertical statements are nothing but final accounts. What are they? You have done final accounts already? Yes or no? You have done final accounts? So, final account hota kya hai? Accounts prepared at the end of the year. Business ka results batata hai. Barabar hai. Abhi, business ka accounts to aapne bana liya. Aapko aata hai banane ko. Trading account aata hai, P&L account aata hai, balance sheet aati hai banane. Trading P&L में you put all the incomes and all the expenses. Balance sheet में you put all the assets and liabilities. तो making work हो गया. You made the account. Now आगे जाके just making is fine or you have to make sense of the data. Obviously आप business चला रहे हो तो accounts देख के आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है. Is it going good or bad? Is the business growing or contracting, are the expenses increasing, are the incomes increasing, asset liabilities ka kya situation hai. So analyze karna is far far more important than making the account. So making part is taken care of by the financial account. Making part making part is taken care of by the financial accounting part. Okay, analysis part is taken care of by the management accounting part. जो CFA बोलते हैं, MBA finance बोलते हैं, CA में भी आपको FM करके subject है financial management, उसमें आप पढ़ोगे. तो management accounting. So what do the CEOs and the MBAs and the MDs and the directors of the company they do? They don't make the accounts. Making work is simple. अभी आपको भी आ गया making work. It's रूल्स अप्लाई करो, गोल्डन रूल्स अप्लाई करो और अप्लाई करो. एसेट्स बढ़ गया तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंस घटा तो क्रेडिट, इनकम और लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट. वो अप्लाई करो और आपको अकाउंट्स आ जाए. डेबिट क्रेडिट डालो, काम हो गया. बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, बनाना इज नॉट एन टफ थिंग. वॉट इज इम्पोर्टेंट इज नाउ हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट डेटा, हाउ टू एनालाइज इट, हाउ टू इंटरप्रेट इट, हाउ टू मेक सेंस, हाउ टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा. ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे जाते, बराबर है? तो इसका फर्स्ट स्टेप इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, पहले तो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है अभी आपको बताया मैंने. व्हाट डू वी नो मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनल अकाउंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट राइट. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे फाइनल अकाउंट सेम ही है. आपके पास दो अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट टू नो द वैल्यू ऑफ बिजनेस. इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है रेवेन्यू स्टेटमेंट. रेवेन्यू स्टेटमेंट इज नथिंग बट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. जो हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल बोलते हैं कंपनीज, उसको रेवेन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं. ये सभी चीजें हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने वाले हैं, बिजनेसेस जो बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि एनालिसिस वहां पर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. छोटे छोटे बिजनेस में तो ठीक है, इतना कंपैरिजन नहीं है, कोई पब्लिक उसके अकाउंट्स देखने वाला नहीं है, खुद के बिजनेस चला रहे हैं.
जब बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हजारों लोग आपके बिजनेस के साथ अटैच हो जाते हैं, डेटर्स भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, आपके कस्टमर्स भी हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी हैं, तो इन्वेस्टर्स भी हैं, बहुत सारे लोग आपके अकाउंट्स देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं। तो उसके लिए एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देना और वो इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ये जो है ये इसका ट्रेडिंग पीएनएल का हमने बना दिया है रेवेन्यू स्टेटमेंट, इट इज द सेम, इट शोज प्रॉफिट एंड लॉस। एंड बैलेंस शीट इज नोन एज बैलेंस शीट ओनली, बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट ही बोलते हैं। ओके, शोज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसको भी ऑल्सो कॉल्ड एज बुक वैल्यू, बीवी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, दैट इज फाइनल अकाउंट्स, ये बना दिया, रेडी कर दिया। अब इसका सेंस बनाना है, तो सेंस बनाने के लिए, सेंस बनाने के लिए इस फाइनल अकाउंट्स को वी कन्वर्टेड इंटू सम डिफरेंट फॉर्म्स। इट्स लाइक सपोज आपने स्कूल में सीखा है, आपको 12 महीने का रेनफॉल दे दिया मैंने, बॉम्बे का रेनफॉल फॉर 12 मंथ्स, जनवरी में इट वॉज 3 सेंटीमीटर, फेब्रुआरी में इट वॉज 4 सेंटीमीटर, मार्च अप्रैल मई में इट वॉज 2 सेंटीमीटर, देन जून जुलाई अगस्त सितंबर इट वॉज 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन एंड सो। जैसे 12 महीने का आपको रेनफॉल डेटा दे दिया, अभी इससे डेटा का सेंस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यही चीज अगर आप ग्राफ के फॉर्म में दिखा दो, आपने ऐसे ग्राफ देखे होंगे या फिर हैव यू सीन दिस ग्राफ्स, और यू मेक सम वो चार्ट पैटर्न इन द ग्राफ, ऐसे डॉट्स कनेक्ट करके आप पैटर्न बना देते हो, ओके, या फिर हिस्टोग्राम्स हो गया, या फिर पाई चार्ट्स हो गया आपका बनाया होगा अपने स्कूल में, तो वो सब से क्या होता था, डेटा को इंटरप्रेट करना काफी इजी हो जाता था। जैसे ओशियंस की साइज का आपने पाई चार्ट बनाया होगा, या तो फिर आपने सपोज लैंड मास एरिया, कंट्री का एरिया का, कंट्री का पॉपुलेशन का, डिफरेंट स्टेट्स का पाई चार्ट बना सकते हो। तो इससे क्या होता है, डेटा को समझना बिकम्स इजी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी जब एनालिसिस करने की बारी आती है, तो एनालिसिस करने से पहले वी कन्वर्ट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू सम अदर फॉर्म्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स और ग्राफ्स और हिस्टोग्राम्स और पाई चार्ट्स, वी कन्वर्ट देम इनटू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, और वी कन्वर्ट देम इनटू कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, और एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, वो आपको ये साल नहीं है, और वी ट्राई टू डू द एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ रेशियोस, ओके, और विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ऑल दीज आर नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज टूल्स ऑफ एनालिसिस, सॉरी इनको क्या कहते हैं, टूल्स ऑफ एनालिसिस, इक्विपमेंट टूल्स जो आपको मदद करते हैं ना काम करने के लिए। तो आपके फाइनल अकाउंट्स रेडी है, आपको समझना है, डेटा को इंटरप्रेट करना है। अभी डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स देख के भी डेटा इंटरप्रेट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, वैसे भी हो सकता है। इन टूल्स की मदद से और आसानी से और प्रेडिक्टेबली, प्रेडिक्टेबल वे से आप डेटा को कंपेयर या फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जैसे आपने रॉ डेटा को कन्वर्ट कर दिया ग्राफ्स और चार्ट्स और पैटर्न्स में, पाई चार्ट्स वगैरह में, वैसे आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया कंपैरेटिव, कॉमन साइज, विद द हेल्प ऑफ रेशियोज, विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यू आर एबल टू एनालाइज द डेटा। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, टूल्स ऑफ एनालिसिस, व्हाट डू वी कॉल, टूल्स ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस के टूल्स, ओके, टूल्स ऑफ एनालिसिस। और एक है ट्रेंड एनालिसिस, वो आपको नहीं है अभी, मेनली यही टूल्स हम लोग यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, ओके, टूल्स कहा जाए। तो एक एक करके एक एक टूल हम लोग पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट मतलब हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो टी फॉर्म में बनाते हैं, वी आर ट्रेडिंग एंड पीएनएल इज इन टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट मतलब डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट, क्रेडिट्स में इनकम्स है, डेबिट में एक्सपेंसेस है, बराबर। एंड बैलेंस शीट इज ऑल्सो इन टी फॉर्मेट, उधर लाइबिलिटी एंड इधर एसेट। कंपनीज जो अपने अकाउंट्स बनाती है वो टी फॉर्म में नहीं होते, वो होते हैं वर्टिकल फॉर्म,
कौन से फॉर्म में, इसलिए द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो वर्टिकल फॉर्म में क्या होता है, कुछ नहीं होता, यही चीज को आप वर्टिकली अरेंज कर देते। तो आपने जो ये लायबिलिटी ऐसे टी फॉर्म में दिखाई है, उसके जगह आप पहले लायबिलिटीज दिखाओगे, फिर वही लाइन पे नीचे एसेट्स दिखा दोगे, बस। इंस्टेड ऑफ शोइंग साइड बाय साइड यू शो इट इन वन सिंगल लाइन, दैट इज वर्टिकल। एंड इंस्टेड ऑफ शोइंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस लाइक दिस, यू फर्स्ट शो द इनकम्स एंड देन सबट्रैक्ट द एक्सपेंसेस टू अराइव एट द नेट प्रॉफिट इन द सेम लाइन, हेंस द नेम वर्टिकल। इंस्टेड ऑफ शोइंग साइड बाय साइड इन द टी फॉर्म फॉर्मैट, व्हाट डू वी शो इट इन द वर्टिकल फॉर्मेट, वी शो इट इन द वर्टिकल फॉर्मेट, हेंस द नेम वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमारे यहाँ लाइबिलिटी ऊपर रहता है, एसेट्स नीचे, इनकम ऊपर, एक्सपेंस नीचे, दिस इज द इंडियन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में एसेट ऊपर चले जाते हैं, लाइबिलिटीज नीचे आ जाते हैं, इनकम एक्सपेंस का फंडा रिमेन्स सेम, बट होता सो वर्टिकल फॉर्मेट। अभी वर्टिकल फॉर्मेट में भी आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है थोड़ा सा पुराना है, बोल्स ओके, तो थोड़ा सा पुराना वाला फॉर्मेट है ये, थोड़ा सा और अपडेट हो गया, ज्यादा चेंजेस नहीं है, मोटा मोटी 85-90% सेम ही है, 10-20 टके के चेंजेस है। तो ये फॉर्मेट आ गया तो आपको हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे या डिग्री कॉलेज में आएगा आपको नया फॉर्मेट, या फिर अभी सीए फाउंडेशन में कराऊंगा तभी भी आएगा, तो नया फॉर्मेट आगे जाके अप्लाई करना, बट इसलिए जैसा ही है, ये बेसिक आ गया तो वो आ जाएगा फॉर्मेट। तो ऑल ऑफ यू टेक पेज नंबर 346 ऑफ योर स्टैंडर्ड टेक्स्टबुक, पेज 346 ऑफ योर स्टैंडर्ड टेक्स्टबुक, यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मेट, लर्न इन द सेंस इट्स लॉजिकल, खाली आपको हेड्स थोड़े याद रखने पड़े, ओके, वो चॉइस नहीं है क्योंकि वो कोर है चैप्टर का, हेड्स याद रखोगे ना, क्योंकि वही हेड्स यहां पर भी यही कंपेरेटिव में डालने हैं, वही कॉमन साइज में डालने हैं, कैश फ्लो रेशियो थोड़े से अलग है, बट ये दो के लिए तो आपको यही लगेंगे सेम हेड्स। तो मिला आपको 346 पे फॉर्मेट, देखो सब लोग ध्यान दे, वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, किसका है, ऊपर लिखा होगा वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो डेट, विल फाइंड पर्टिकुलर टू कॉलम फॉर अमाउंट, व्हाट आर दिस टू कॉलम फॉर अमाउंट, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, इट्स लाइक डीआरएस सब टोटल की, ठीक है, तो इंडिविजुअल अमाउंट इनर में, सब टोटल बाहर। तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तब लायबिलिटी साइड जो होती है उसको कहा जाता है सोर्सेस ऑफ फंड्स, क्या कहा जाता है, सोर्सेस ऑफ फंड, लायबिलिटी एसेट लिखते हो ऊपर, लायबिलिटी के अंदर आप लिखते हो सोर्सेस ऑफ फंड्स। अगर आपने ध्यान से देखा है वहां पे, लायबिलिटी के अंदर पहला हेड होगा आपका सोर्सेस, यही एक हेड है, इसी को कहा जाता है सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड्स में, कैन यू सी दैट, सोर्सेस ऑफ फंड्स में यू विल फाइंड टू मेजर हेड्स, दो जगह से पैसे आते हैं, एक होता है शेयर होल्डर्स फंड्स या फिर ओनर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स या फिर ओनर्स फंड्स, एंड दूसरा वाला आपको मिलेगा बोरोड फंड्स, पहला मिलेगा शेयर होल्डर फंड, दूसरा मिलेगा बोरोड फंड, ये दो मेन हेड है, तो इनका जो भी टोटल होगा ना वो आउटर कॉलम में दिखा रहा है, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन है, कैपिटल है, एक तो शेयर कैपिटल है, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ गए, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको मिलेगा, और तीसरा माइनस करके फिक्टिशियस एसेट मिलेगा, दिख रहा है। तो शेयर कैपिटल में यू नो शेयर कैपिटल बिगेस्ट लायबिलिटी, इक्विटी बोलो कि प्रेफरेंस बोलो, फिर आपका हो गया रिजर्व्स, प्रॉफिट्स बिलोंग टू द ओनर्स, ये इंटरनल लायबिलिटी वाला पार्ट है, याद हम लोग, लायबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये लॉन्ग टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म में इंटरनल शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रॉफिट्स, और फिक्टिशियस आइटम एसेट में क्या आता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल, तो इसमें इंटेंजिबल हो गया आपका, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपने सीखा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो कंपनी में सीखते हो, तो बेसिकली ऑल द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा है, ये मोटा मोटी सब में पूछा नहीं जाता, तो ये खाली रहता है। ये शेयर कैपिटल एंड मोस्टली रिजर्व एंड सरप्लस। बोरोड फंड्स मतलब क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स, यहाँ पे क्या आता है आपके लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन बैंक लोन,
थर्ड पार्टी लोन, पब्लिक फिक्स डिपॉजिट हो गया, डिबेंचर्स अगर इश्यू करे तो डिबेंचर्स हो गए, लंबे टाइम का लोन अगर आपने लिया हो वो जाता है किसमें, बोरोड फंड्स। दोनों का टोटल इज कॉल्ड एज टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड्स अवेलेबल, इसको बोलते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको याद रखना। तो लायबिलिटी पार्ट में दो मेजर हेड्स आपको दिखेंगे, व्हाट आर द टू मेजर हेड्स, यू विल फाइंड सोर्सेस ऑफ अपना, सॉरी लायबिलिटीज आर आल्सो कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसमें आपको दो मिलेंगे, शेयर होल्डर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में तीन है, शेयर होल्डर मतलब ओनर का पैसा, उसमें तीन है, क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, रिजर्व्स ऐड हो जाएंगे बिलोंग्स टू द ओनर, माइनस फिक्टिशियस एसेट, ये एसेट में दिखा देते यार, फिक्टिशियस एसेट, उसको एसेट में ना दिखा के आपने यहां से माइनस कर, लायबिलिटी से माइनस कर, जैसे आरडीडी माइनस करते हो डेटर्स से, ऐसे फिक्टिशियस एसेट आपको यहां से सब्ट्रैक्ट करके दिखा, ठीक है। तो मेनली थ्री है, उसमें से भी दो ही आते हैं, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, फिक्टिशियस एसेट कभी देखने मिलेगा नहीं। बोरोड फंड मतलब ऑल टाइप्स ऑफ लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स हो गए, सब ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स। अच्छा, उसके बाद ये इसका टोटल को कहा जा रहा है टोटल फंड्स अवेलेबल। फिर अगर एसेट साइड देखो तो यही के नीचे आपको दिखेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है ना, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब ये जो फंड्स आए हैं ये आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कोई लॉजिक होता है बैलेंस शीट का, पैसा आया वो लाइबिलिटी और पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ, दैट इज द एसेट पार्ट। अभी एसेट पार्ट के भी तीन है, तीन मेजर हिस्से है, एक है फिक्स्ड एसेट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है नेट करंट एसेट बोला जा रहा है या नेट वर्किंग कैपिटल भी बोला जा रहा है, इट इज वन एंड द सेम, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। एसेट साइड में तीन मेजर हेड्स है, सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स, ये आपने नॉर्मल बैलेंस शीट में भी देखा हुआ है, इनटैंजिबल टैंजिबल कोई भी ऑर्डर में लिखो चलेगा, फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स, गुडविल हो गया, ब्रांड नेम हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स हो गया, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी वैन, कंप्यूटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्स्चर्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ऑल दीज आर नथिंग बट फिक्स्ड एसेट्स, वेदर टैंजिबल और इनटैंजिबल, ये पहला है। दूसरा हेड में आता है आपका इन्वेस्ट, ये हेड्स इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेजर टोटल्स आउटर कॉलम में जाए, इंडिविजुअल फिक्स्ड एसेट्स इनर कॉलम, टोटल इन द आउटर, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इनर, टोटल इन द आउटर, फिर करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इंडिविजुअल इनर, बाकी मेन नेटवर्किंग कैपिटल इन द आउटर, गॉट इट। जैसे लायबिलिटी में टू मेजर हेड्स भी है, ओनर फंड एंड बोरोड फंड, एसेट्स में वी हैव थ्री, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड नेट करंट एसेट्स। तो मेजर टोटल्स आउटर कॉलम, तो फिक्स्ड एसेट्स सबसे पहला था, फिर दूसरा था इन्वेस्टमेंट्स, इसमें आपको सिंपली इन्वेस्टमेंट ही दिया जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन एफडी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ओके, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म्स भी आ जाता है, कंपनीज कर सकती है, इन्वेस्टमेंट इन अदर सब्सिडरीज भी आ जाता है, वो सब आपको डेप्थ में आगे आएगा, अभी तो सिंपली इन्वेस्टमेंट दिया होगा। वर्किंग कैपिटल ये थोड़ा सा अलग है, हम लोग यूजुअली टी फॉर्म बैलेंस शीट में क्या करते थे, लायबिलिटीज में हम लोग यहाँ पे करंट लायबिलिटीज दिखा देते, याद है आपको, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वी शो इट अंडर लायबिलिटी, एंड एसेट्स में करंट एसेट अलग दिखता है, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस। अभी जब आप वर्टिकल बनाते हो ना स्टेटमेंट, तब आप क्या करते हो, ये करंट लायबिलिटी को यहां से उठा के आप यहां से माइनस करवा देते हो, जैसे आपने वो फिक्टिशियस एसेट एसेट में से उठा के यहां पे लगा दिया, डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंस, डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंस एक्चुअली वॉज एन एसेट, बट आपने एसेट में ना दिखा के क्या किया, ओनर फंड से माइनस कर दिया, क्योंकि वो जमा हुआ लॉस है, पीएलआर अकाउंट आपने देखा होगा, तो अक्यूमुलेटेड लॉस, वो भी इसी में आता है, फिक्टिशियस एसेट। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग प्रॉफिट्स एंड ओनर्स कैपिटल सेपरेटली एंड अक्यूमुलेटेड लॉस सेपरेटली, और सबट्रैक्टिंग एंड शोइंग ऑल द इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। ऑन द एसेट साइड फिक्स्ड एसेट नॉर्मल है, जैसे डी फॉर्म में होता है वैसे ही दिखता है, इन्वेस्टमेंट नॉर्मल है जैसे एसेट में दिखता है वैसे ही दिखता है। यहां पे इंस्टेड ऑफ शोइंग ओनली करंट एसेट्स, व्हाट डू वी शो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटी कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले लायबिलिटी। आपको मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो लेट अस अज्यूम आपके बिजनेस में एक ही करंट एसेट है, दैट इज स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स लाइंग एट द एंड ऑफ द ईयर,
आपका मोबाइल फोन का बिजनेस है, आपने 50 लाख के मोबाइल फोन खरीदे, उसमें से 40 लाख के मोबाइल फोन बेच दिए, प्रॉफिट आ गए 60 लाख। सॉरी, तो बचे कितना आपके पास? 10 लाख का स्टॉक आपके बैलेंस शीट में पड़ा है, दैट इज अ करंट एसेट। आपने जो फंड्स रेज किए हुए, ये सोर्सेज ऑफ फंड्स है, जो भी पैसा आपने रेज किया या तो ओनर से या तो बाहर वालों से लोन लेके, उसमें से कुछ पैसा आपका स्टॉक में इन्वेस्टेड है, दैट इज अ मीनिंग, कुछ पैसा फिक्स्ड एसेट में है, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में, कुछ पैसा स्टॉक में है, तो स्टॉक इज अ करंट एसेट। अभी इमेजिन करो, आपने वो स्टॉक, आपका 10 लाख का जो स्टॉक है, आपने पूरा कैश देके नहीं खरीदा, 10 लाख में से 4 लाख आपने क्रेडिट पे खरीदा, तो कितना पैसा ब्लॉक हुआ होगा? 6 लाख ही ब्लॉक हुआ, 4 लाख तो क्रेडिटर है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, एप्लीकेशन, फंड्स कितने ब्लॉक है। तो आप क्या करोगे, 10 लाख का स्टॉक माइनस 4 लाख का क्रेडिटर, तो बनेगा कितना, 6 लाख। तो जितना करंट एसेट के सामने आपका करंट लाइबिलिटी है, उसको अगर आप माइनस कर देते तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा आपका कितना पैसा उधर इन्वेस्टेड है। आपको दोनों जगह देखने की जरूरत नहीं। सपोज आपके करंट एसेट 10 लाख के और सामने करंट लाइबिलिटी 8 लाख के, तो आपका 10 लाख रुपया ब्लॉक्ड नहीं है, सिर्फ 2 लाख रुपया ब्लॉक्ड, 8 लाख रुपया आपका करंट लाइबिलिटी ब्लॉक, क्योंकि आपने उधार रखा हुआ है, आपने माल तो खरीद लिया है, स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन पैसा दिया नहीं है, देना बाकी, उधार। तो पैसा इन्वेस्टेड कितना है एसेट्स में, हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट, तो दैट इज फिक्स्ड एसेट अमाउंट। हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स, दैट इज नॉट एक्जैक्टली द टोटल करंट एसेट अमाउंट, इट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, उसको बोलते हैं नेट करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल सुन रहा है आपको, 10 लाख में से 8 लाख तो लाइबिलिटी है, तो 2 लाख ही फंसा। हाँ, 10 का 10 आपने कैश में खरीदा हुआ, कोई उधार पे मिला ही नहीं आपको, कुछ लाइबिलिटी है ही नहीं आपके करंट लाइबिलिटी, देन योर एंटायर 10 लाख विल बी शोन अंडर एसेट्स एज स्टॉक, दैट इज ब्लॉक। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेट करंट एसेट्स, या फिर नेट वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड एज नेट करंट एसेट्स या फिर नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट में फंसा हुआ कैपिटल, जो बहुत नई कंपनी होती है मार्केट में, जिसको बिजनेस जमाना होता है, उसको कोई क्रेडिट नहीं देता, उसको सारा माल कैश में खरीदना पड़ता है। आप भी नए नए जाओ मार्केट में, बोलो उधारी दो, राम तुझको कहां जाते, कहता का उधारी नहीं मिलेगा, उधारी तो आपको सारा माल कैश में खरीदना पड़ता है। तो काफी मोटा पैसा आपका करंट एसेट में ब्लॉक्ड रहता है, और करंट एसेट में ब्लॉक पैसा इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उसमें एक रुपया आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, स्टॉक में आपने पैसा रखा हुआ है। अच्छा, फिर आपको तो सारा क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप जब बेचने जाओगे सारे आपसे क्रेडिट पे खरीदेंगे, और आपको जग मार के माल देना पड़ेगा क्रेडिट में, क्योंकि आपको धंधा जमा है।